દીવ ખાતે ખ્રિસ્તી સમુદાય દ્વારા નાતાલ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે આજે ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકો દ્વારા ધામધૂમથી નાતાલ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં દીવ સેન્ટ પોલ ચર્ચમાં દરેક સમુદાયના લોકોએ ભગવાન ઈશુના જન્મની ઉજવણી સંદર્ભે મીણબત્તી પ્રગટાવી હતી. લોકોના ઘરો તથા દીવની હોટલોને લાઇટિંગથી સજાવવામાં આવી હતી. હોટલમાં પણ જિંગલ બેનનો વેશ ધારણ કરી બાળકોને, પર્યટકોને તથા સ્થાનિકોને ચોકલેટ આપી ઉજવણી કરાઈ. આ પ્રસંગે નાના ભૂલકાઓને પણ જિંગલ બેન બનાવવામાં આવ્યા હતા. દીવ ચર્ચમાં સ્થાનિકોની સાથે બહોળી સંખ્યામાં પર્યટકો પણ ઉમટ્યા હતા. Today is the celebration of Christmas Day, the day of celebration of Jesus Christ, and all the public and all the families are together to celebrate this festival of Christmas all together as an eve and celebrated Christmas Eve today. Thank you. हम लोग आए हैं रांची से, धोनी के गांव से, और हमने सुना था यहाँ की जो चर्च है ये बहुत ही फेमस है, और प्रभु यीशु ने करुणा और प्रेम का संदेश दिया, प्रेम को दुनिया में फैलाया, और उसका प्रेम का ही परिणाम है कि आज इतने लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं. हमने भी सुना, हम यहाँ के पर्यटक हैं, हम लोग रांची से चलकर आए और यहाँ पैदल पैदल घूमते हुए चर्च का पता लगाए और यहाँ पर आए, और इसकी ख्याति सुनकर और यहाँ पर देखकर हम दंग रह गए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू हैं, यहाँ पर मुसलमान हैं, यहाँ सिख है, ईसाई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि उन करुणा के संदेश को, उनकी कृपा को यहाँ पाने के लिए आया है, उनका आशीर्वाद लेने आया है. और हमें फादर ने चॉकलेट दी प्यार से और ये संदेश दिया, और इस संदेश को हम लोग पूरे देश में फैलाएंगे, पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं. हम, मेरा नाम है अली नायब नकवी और मैं यहाँ प्रिंस होटल में काम करता हूँ, और यहाँ सब बच्चों की स्माइल के लिए मैं बन रहा हूँ. मैं सेंटा क्लॉज बन के मुझे बहुत खुशी मिल रही, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे स्माइल आती है और लोगों को